नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में। और हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? सुनारी सभ्यता की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल जीबी एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सुनारी सभ्यता की। देखना मित्रों, सुनारी सभ्यता जो है, सुनारी सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई वो जिला है आपका झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। कौन सा जिला है दोस्तों? झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता विकसित हुई और जिस स्थान के ऊपर विकसित हुई वो स्थान है आपका खेतरी। जिस नदी के किनारे विकसित हुई वो नदी है आपकी कांतली नदी। तो सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है झुंझुनू जिले के खेतरी नामक कस्बे के अंदर। कौन से कस्बे में? खेतरी कस्बे में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। देखना, सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है तो इसका उत्खनन की हम बात कर रहे हैं, उसका उत्खनन होता है 1980-81 में। उत्खनन कब होता है? तो उत्खनन होता है वर्ष 1980 या 1981, यानी उत्खनन होता है वर्ष 1981 ईस्वी में इसका उत्खनन होता है। और उत्खनन करता है कौन? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग, तत्व विभाग। तो सुनारी सभ्यता का जिसने उत्खनन किया वो कौन था? तो वो था राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा। इस सुनारी सभ्यता का उत्खनन किया गया वर्ष 1980-81 ईस्वी में। और सुनारी सभ्यता जिस जिले में है वो है झुंझुनू जिला, झुंझुनू के खेतरी जिले में कांतली नदी के किनारे अपनी सुनारी सभ्यता जो है विकसित हुई है। सुनारी सभ्यता में कुछ जो अपनी विशेषताओं की बात करेंगे कि सुनारी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें आप एक बार देखना दोस्तों, सुनारी सभ्यता के उत्खनन से हमें यहाँ से जो पहली चीज जो प्राप्त होती है, जो महत्वपूर्ण चीज है जो सुनारी सभ्यता के उत्खनन से हमें प्राप्त हुई है, वह है लोहोर अयस्क से लोहो उपकरण बनाने की भट्टी यहां से प्राप्त हुई है। कौन सी भट्टी प्राप्त हुई है? लोहो अयस्क से लोहो के उपकरण बनाने की भट्टी जिस सभ्यता से प्राप्त हुई है वो सभ्यता कौन सी है? तो वह है हमारी सुनारी सभ्यता। ध्यान देना, गणेश्वर सभ्यता से हमें जो भट्टी प्राप्त होती है वो होती है तांबे को गलाने की भट्टी। कौन सी भट्टी थी? तांबे को गलाने की भट्टी थी जो आठ सभ्यता से प्राप्त हुई थी। अपन बात कर रहे हैं सुनारी सभ्यता की। सुनारी से हमें प्राप्त होता है लोहो अयस्क से लोहो के औजार बनाने की भट्टी। क्या प्राप्त होती है? लोहो अयस्क से लोहो बनाने की भट्टी सुनारी सभ्यता से प्राप्त होती है। और ये जो भट्टी है ये भारत की प्राचीनतम भट्टी है, यानी जितनी भी लोहो बनाने की जो भट्टियां प्राप्त हुई है उन सभी में जो प्राचीनतम जो भट्टी मिली है वो कौन सी है? तो वो है जो सुनारी में प्राप्त हुई है, यह है भारत की प्राचीनतम भट्टी के साक्ष्य यानी ये जो भट्टी यहां से मिली है, ये भारत में जितनी भी भट्टियां मिली हैं उन सब भट्टियों में लोह अयस्क से लोह उपकरण बनाने की सबसे प्राचीनतम भट्टी कहां से मिली है? तो वो अपने को मिली है सुनारी सभ्यता से जो झुंझुनू जिले में विकसित हुई है। सुनारी सभ्यता से देखना दोस्तों, हमें यहाँ से लोह के कुछ उपकरण मिले हैं। और जो लोह से जो बने उपकरण मिले हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें देखना, यहाँ से लोह के उपकरण क्या मिले हैं? लोह के उपकरण यहां से मिले हैं। और जो उपकरण मिले हैं उनमें पहला उपकरण आपका आता है प्याला। क्या मिला है? लोह से निर्मित प्याला, या इसी को मैं कह दूं कटोरा। एक कटोरा या प्याला यहां से मिला है जिसमें आप लोग दूध पीते हो सबड़ सबड़ करके, वो प्याला यहां से मिला है जो किससे निर्मित है? लोहे से निर्मित है।
यहीं से मिली है लोहे से निर्मित तीर। क्या मिली है? यहां से लोहे से निर्मित एक तीर भी मिलती है, और वो तीर भी किससे निर्मित है? लोहे से निर्मित है। यहां से एक जो मिला है लोहे से निर्मित भाला। क्या मिला है? भाला। तो देखना, सुनारी सभ्यता से एक तो लोहेस्क से लोह उपकरण बनाने की भट्टी मिली है, जो भारत में प्राप्त भट्टियों में सबसे प्राचीनतम भट्टी मानी जाती है, और इसी सुनारी सभ्यता से यहाँ से लोह के कुछ उपकरण मिले हैं, और उन उपकरणों में एक तो मिला है क्या? प्याला या कटोरा, एक मिली है तीर, और एक मिला है भाला। अब यहाँ से तीर मिली है, लोह से निर्मित तीर मिली है, तो इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता ये भी अंदेशा लगाते हैं कि सुनारी सभ्यता के लोग आखेट खेलते होंगे। क्या खेलते थे? आखेट। आखेट खेलते थे, या फिर यूं कहें कि शिकार करते थे, या अपने भोजन के लिए शिकार करते थे। किसके लिए? भोजन के लिए। किसके लिए शिकार करते थे? तो भोजन के लिए सुनारी सभ्यता के लोग आखेट खेला करते थे, या शिकार भी किया करते थे। ये कैसे अंदाजा लगाते हैं? तो यहाँ से लोहे से निर्मित जो तीर मिली है या भाला मिला है, उनसे पुरातत्ववेत्ता ये अंदेशा लगाते हैं कि सुनारी सभ्यता के लोग आखेट या फिर भोजन के लिए जो शिकार भी किया करते थे। आगे इसी में हम बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसमें बात करते हैं। यहाँ से देखो दोस्तों, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तथा सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात कर रहे हैं सुनारी सभ्यता की। यहां से मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? मौर्य सभ्यता के अवशेष, सॉरी मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष या साक्ष्य। देखो मौर्यकालीन जो अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? सुनारी सभ्यता की। तो सुनारी सभ्यता के अलावा भी राजस्थान में मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो कहां-कहां से प्राप्त हुए हैं एक बार देख लेना आप। आपके प्राप्त हुए हैं बेराड़ सभ्यता से, बेराड़ से। इसके अलावा जो प्राप्त होते हैं वो आपके प्राप्त होते हैं कहां से? जोधपुरा से। कौन सी सभ्यता से? जोधपुरा सभ्यता से। देखो बेराड़ भी जयपुर में है, जोधपुरा भी जयपुर में है, और कौन सी सुनारी जो है ये आपकी झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, तो बेराड़ से भी प्राप्त होते हैं, जोधपुरा से प्राप्त होते हैं, और नौ से भी क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ये आपकी नौ है, कौन से जिले में? भरतपुर में। ठीक है, ये जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है, जयपुर जिले में गांव पड़ता है जोधपुरा, जहां पर सभ्यता विकसित हुई है, और बेराड़ जो है विराटनगर, यहां पर बेराड़ सभ्यता विकसित हुई है। तो बेराड़, जोधपुरा, नौ से, और अब बात करें सुनारी, इन चारों से क्या प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन अवशेष या साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? सुनारी सभ्यता की। तो सुनारी सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष या साक्ष्य क्या है? मिले हैं। इसके अलावा सुनारी सभ्यता से सोंगकालीन, कौन से कालीन? सोंगकालीन व कुषाणकालीन, कुषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुषाणकालीन व सुंगकालीन साक्ष्य कहां से मिले हैं? सुनारी सभ्यता से मिले हैं, और सुनारी से क्या मिले हैं? मौर्यकालीन अवशेष साक्ष्य भी मिले हैं। देखना, इसी सुनारी सभ्यता से एक मातर देवी की मन मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातर देवी की, कौन सी देवी की? मातर देवी की मरण मूर्ति मिली है। क्या मिली है? तो मातर देवी की यहां से क्या मिलती है? मरण मूर्ति भी मिलती है, जिससे हम अंदेशा लगा सकते हैं कि जो सुनारी सभ्यता थी, इस सुनारी सभ्यता के लोगों का जो परिवार था, ये मातृ सत्तात्मक परिवार था। कैसा परिवार था? मातृ सत्तात्मक परिवार था। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं सुनारी सभ्यता की।
सुनारी सभ्यता के जो नगर बसाया हुआ था, इस जो भवन निर्माण की जो कला थी और जो परंपरा थी, उस परंपरा के आधार पर इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि इस सुनारी सभ्यता को, इसी सुनारी सभ्यता को आर्यों ने बसाया होगा। किन्होंने बसाया होगा? आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता किनके द्वारा बसाई गई थी? तो आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। कौन सी सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपकी सुनारी सभ्यता की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता से अपने को क्या क्या मिलता है? सुनारी सभ्यता से अपने को मिलता है क्या? प्याला मिलता है लोह से निर्मित, इसके अलावा अपने को तीर मिलता है, भाला मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन होता है 1980-81 में होता है और उत्खनन करता है राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सुनारी सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई वो झुंझुनू जिला, झुंझुनू के खेतरी जिले में कांतली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता विकसित हुई है, जिसका उत्खनन का कार्य 1980-81 में हुआ और उत्खनन करता था राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा सुनारी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया। सुनारी सभ्यता से जो है लोह अयस्क से लोह के औजार बनाने की भट्टी प्राप्त हुई है, जो भारत की अब तक की प्राप्त भट्टियों में सबसे प्राचीन भट्टी भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां से कुछ लोक से निर्मित जो है अपने को बर्तन या औजार मिले हैं, जिनमें एक तो क्या है प्याला या कटोरा, एक तीर है और भाले भी यहां से मिले हैं। ठीक है, सुनारी के लोग आहार सॉरी जो क्या बोलते हैं उसको खेलने का कार्य भी क्या करते थे, और ये जो है लोग हैं यहाँ पर माता देवी की मन मूर्ति मिली है और इस जो है जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कौन सी काल के? मौर्य कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, सुंग कालीन और कुषाण कालीन साक्ष्य भी यहाँ से सुनारी से जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो नगर है, यहाँ के जो भवन है, उनके निर्माण की शैली से ये भी पता लगता है कि सुनारी सभ्यता को बसाने का श्रेय किसको जाता है? आर्यों को जाता है। सुनारी सभ्यता में कोई दिक्कत हो, सुनारी सभ्यता से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम बात करेंगे अगली नेक्स्ट सभ्यता की, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे बालाथल सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? बालाथल सभ्यता की। बालाथल सभ्यता, देखो बालाथल सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई वो जिला है कौन सा? उदयपुर। और इस सभ्यता उदयपुर के वल्लभ नगर में, कौन से नगर में? नगर में वल्लभ नगर में। तहसील है वल्लभ नगर और ये पड़ती कहां पर है? उदयपुर में। तो ये सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई कौन सा है? उदयपुर। और उदयपुर के कौन से नगर में? तो वल्लभ नगर में आपकी जो है बालाथल सभ्यता यह विकसित होती है। कौन सी सभ्यता विकसित होती है? बालाथल सभ्यता विकसित होती है। अब देखना बालाथल सभ्यता को जो उत्खनन करता था कौन था? उत्खनन करता, तो उत्खनन करता थे इसके वी एन मिश्र। कौन थे? वी एन मिश्र। तो बालाथल सभ्यता के उत्खनन करता के बारे में अगर आपसे पूछने जाए तो वो कौन थे? तो वो थे आपके कौन? वी एन मिश्र। जिस जिले में बालाथल सभ्यता विकसित हुई वो है उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले की तहसील कौन सी है? तो वल्लभ नगर है। वी एन मिश्र ने इस सभ्यता का उत्खनन किया वर्ष 1993 में। कब किया? वर्ष 1993 ईस्वी में। कहां पर किया? तो उदयपुर में किया। अब देखना बालाथल सभ्यता के उत्खनन से अपने को क्या क्या चीजें मिली है, क्या क्या मद भांड मिले हैं, कौन से औजार मिले हैं, ये अन्य जो अपने को स्रोत या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
तो वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखना उत्खनन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यह है आपकी बालाथल सभ्यता। यह स्थान है कौन सा? बालाथल। कौन सा स्थान है यह? आपका है बालाथल स्थान। मैं इसको चार भागों में काट देता हूं। देखो बालाथल के उत्खनन से एक तो अपने को प्राप्त होता है बुना हुआ कपड़ा। क्या प्राप्त होता है? बुना हुआ कपड़ा। कैसा कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। कौन सी सभ्यता से? तो प्राप्त हुआ है अपने को बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है बुना हुआ कपड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बालाथल सभ्यता के लोग थे वो वस्त्र को बुनने का काम क्या करते थे, यानी कि वस्त्रों को बुनने से परिचित थे वो लोग। यहां से जो कपड़ा प्राप्त हुआ है या जो वस्त्र प्राप्त हुआ है वो कैसा है? बुना हुआ वस्त्र यहां से या कपड़ा यहां से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां से एक अपने को प्राप्त होती है बैल व गाय की मन मूर्तियां। क्या प्राप्त होती है? बैल व गाय की मन मूर्तियां। क्या प्राप्त होती है? बैल व गाय की मन मूर्तियां। बैल व गाय की मन मूर्तियां भी यहां से प्राप्त होते हैं। बैल व गाय की मन मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है कौन सी सभ्यता से? तो बालाथल सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, बैल और गाय की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है, मतलब है जो बालाथल सभ्यता के लोग थे वो बैल व गाय से क्या थे? परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। तथा यहां से एक जो है कंकाल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कंकाल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? कंकाल यहां से मिला है और जो कंकाल मिला है वो कंकाल लगभग 4000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? लगभग 4000 वर्ष पुराना है कंकाल मिला है। और ये कंकाल लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 4000 वर्ष पुराना कंकाल है ये कंकाल मिला है। और ये कंकाल जो है किसी कुष्ठ रोगी का कंकाल है, यानी कोई व्यक्ति था जो कुष्ठ रोग के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उस व्यक्ति का यहाँ से कंकाल मिला है जो 4000 वर्ष पुराना है। इसीलिए याद ये भी लगाया जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोग के जो प्रमाण मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? बालाथल से मिले हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि भारत में प्राचीनतम कुष्ठ रोगी के प्रमाण, तो भारत में सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोगी के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो वो भी कहां से मिलते हैं? बालाथल सभ्यता से ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बालाथल सभ्यता में अगर मैं बात करूं तो इसी बालाथल सभ्यता से कुछ लोह उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लोह उपकरण। और जो लोह उपकरण मिले हैं ये लगभग 12 ईसा पूर्व के हैं। कितने ईसा पूर्व के हैं? लगभग 12 ईसा पूर्व के यहां से क्या मिले हैं? लोह उपकरण मिले हैं। एक बार पुनः आप ध्यान देना, देखो बालाथल सभ्यता जो है इसके उत्खनन से हमें जो चीजें मिलती हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो यहां से एक तो बुना हुआ कपड़ा या जो बुना हुआ वस्त्र अपने को मिलता है। दूसरा बालाथल के उत्खनन से बैल व गाय की मल्ल मूर्तियां मिली हैं। किसकी मल्ल मूर्तियां मिली हैं? बैल व गाय की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तीसरा यहां से जो मिला है हमें एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। जो कंकाल मिला है ये कंकाल किसी कुष्ठ रोगी का कंकाल था। अच्छा, भारत में कुष्ठ रोगी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? तो बालाथल सभ्यता से ही मिले हैं। इसी बालाथल सभ्यता से कुछ लोह से निर्मित उपकरण मिले हैं और जो लोह से निर्मित उपकरण थे ये लगभग 12 ईसा पूर्व के उपकरण माने गए हैं। कितने ईसा पूर्व के उपकरण माने गए हैं? 12 ईसा पूर्व के जो है उपकरण ये माने गए हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े।
ठीक है मित्रों, मैं अगली यहाँ की विशेषता की बात कर रहा हूँ, देखना। तो अगली हमें जो यहाँ से विशेषता मिलती है, या अगली जो है बालातल की जो विशेषता थी वो क्या थी, यहाँ पे देखना, एक द्रव्य नुमा भवन के जो है प्रमाण मिले हैं, यानी द्रुक के प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते हैं, लेकिन द्रुक के समान निर्मित हुआ एक भवन के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। कैसे भवन के प्रमाण मिले हैं? द्रुग नुमा भवन के प्रमाण क्या मिले हैं? द्रुग नुमा भवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए, यहां से द्रुग नहीं मिला है, क्या नहीं मिला? द्रुग नहीं मिला। द्रुग तो मिलता है कालीबंगा से, द्रुग कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। यहां से द्रुग नहीं मिला है, यहां से तो द्रुग नुमा भवन के प्रमाण मिले हैं। कैसे भवन के प्रमाण मिले हैं? तो यहां से जो प्रमाण मिलते हैं, यहां से द्रुग नुमा भवन के प्रमाण मिले हैं, द्रुग नुमा भवन के यहां से प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहां से जो है एक 11 कमरों वाला भवन का साक्ष्य मिला है, 11 कमरों वाला विशाल भवन। ठीक है, तो यहां से बालातल सभ्यता के जो है उत्खनन से हमें जो है 12 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। कितने कमरों वाला? तो यहां से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन भी मिलता है। तो 11 कमरों युक्त विशाल भवन जिस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, वो सभ्यता कौन सी होगी? तो वो सभ्यता होगी आपकी कौन सी? बालातल सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी? बालातल सभ्यता होगी, ठीक है। इसी बालातल सभ्यता से मिला है अपने को द्रुग नुमा आकृति का एक भवन मिला है। द्रुग नहीं मिला है, द्रुग तो मिला है किसमें? कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है। बालातल सभ्यता जिस नगर में स्थित है वो है वल्लभ नगर तहसील है उदयपुर जिले की, और जिस गांव में विकसित हुई वो गांव है कौन सा? बालातल गांव। बालातल सभ्यता के उत्खनन करता है कौन है? तो उत्खनन करता है वीएन मिश्र, और वीएन मिश्र ने बालातल सभ्यता का उत्खनन किया था वर्ष 1993 ईस्वी में। बालातल सभ्यता अपनी जो है पूरी हो चुकी है, और बालातल में आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो को आप जरूर अंत तक देखते रहिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको जो है आगे बता सकूं। दोस्तों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग शुरू से क्लास देखे और पहले वीडियो से देखे तभी उनको समझ में आएगा, ऐसे उनके समझ से बाहर है। जो पहली बार ये क्लास ले रहे हैं वो शुरुआत से देखें, पहली क्लास से देखें, चैनल पे आप जाएंगे तो आपको सारी क्लासें वहां पर जो है उपलब्ध आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। अगली सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं, ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? तो अपनी अगली सभ्यता होगी ओजियाना ओजियाना सभ्यता। और ओजियाना सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई वो जिला कौन सा है? तो वो है आपका भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले में जो सभ्यता विकसित होती है वो कौन सी है? ओजियाना सभ्यता। देखना, इस ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है, किसका कार्य है? उत्खनन का कार्य। उत्खनन का कार्य होता है इसका वर्ष 1999 2000 में। कब हुआ? 2000 में, ठीक है। तो वर्ष 1999 में ओजियाना सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ होता है, और वर्ष 2000 आते आते इसका जो उत्खनन का कार्य है वो पूरा हो जाता है। और इसका भी उत्खनन का कार्य है वो कौन करता है? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है।
तो ओजियाना सभ्यता का उत्खनन का कार्य राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग वर्ष 1999-2000 में करता है। और ओजियाना सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई है वो जिला कौन सा है, वो आपका जिला कौन सा होगा, भीलवाड़ा जिला होगा। ठीक है दोस्तों, देखो जितनी भी सभ्यताएं हुई वो सभी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई है, लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता है जो किसी नदी के किनारे विकसित न होकर कहां पर विकसित हुई है, तो ये सभ्यता विकसित हुई है आपकी एक पहाड़ी के ऊपर। कहां विकसित हुई है, एक पहाड़ी के ऊपर ये सभ्यता विकसित हुई है। यहां लिख सकते हैं कि यह सभ्यता एक पहाड़ी पर विकसित हुई, पहाड़ी पर विकसित हुई। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता है जो किसी नदी के किनारे विकसित न होकर एक पहाड़ी के ऊपर विकसित होती है, तो सभ्यता कौन सी होगी, ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, ओजियाना सभ्यता। अब बात करते हैं ओजियाना सभ्यता के उत्खनन से हमें जो क्या क्या प्राप्त होता है। ओजियाना सभ्यता जो है, ये ओजियाना सभ्यता लगभग 3 बार जो है विकसित हुई। कितने बार, 3 बार तो इसका विनाश हुआ और 3 बार विकसित हुई। तो यह सभ्यता 3 बार उजड़ी व 3 बार विकसित हुई। तो कौन सी सभ्यता है जो 3 बार उजड़ती है और 3 बार विकसित होती है, तो वो कौन सी होगी, ओजियाना सभ्यता, जो कौन से जिले में है, जो आपके भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई है। 3 बार उजड़ी है और 3 बार विकसित हुई है, या यूं कहें कि 3 चरणों में ओजियाना सभ्यता का जो है विकास हुआ है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस सभ्यता की कि यहां से और हमें क्या प्राप्त होता है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, देखना दोस्तों इस सभ्यता के उत्खनन से जो है हमें कुछ बैल व गाय की मन मूर्तियां मिली हैं, गाय व बैल की मूर्तियां क्या मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं, बैल व गाय की मूर्तियां मिली हैं, और इन मूर्तियों को क्या कहा गया है, ओजियाना बुल कहा गया है। क्या कहा गया है, ओजियाना बुल। क्या कहा गया, ओजियाना बुल इन मूर्तियों को कहा गया। तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त बैल व गाय की मूर्तियों को ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई है, तो कौन सी सभ्यता है, वो है आपकी ओजियाना सभ्यता, जो भीलवाड़ा जिले में एक पहाड़ी के ऊपर विकसित हुई है, जिसका उत्खनन 1999-2000 ईस्वी में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो ओजियाना बुल है संख्या दी गई है, और यहां से जो प्राप्त मूर्तियां हैं किसकी, गाय व बैल की मूर्तियां। किसकी प्राप्त हुई है, गाय व बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों के ऊपर सफेद रंग से क्या की गई है, सफेद रंग से डिजाइनदार कलाकृतियां की गई है, सफेद रंग से डिजाइन की गई है। डिजाइन की गई, तो यहां से जो गाय और बैल की मूर्तियां मिली हैं, उन्हें ओजियाना बुल कहा गया है, और उन मूर्तियों के ऊपर सफेद रंग से डिजाइन की गई। क्या की गई है, सफेद रंग से डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, और यहीं से इसी सभ्यता से शंख चूड़ियां मरण मूर्तियां, देखो शंख चूड़ियां मरण मूर्तियां यहीं से क्या होती हैं, पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं, वह पत्थर के मनके। देखो इसी सभ्यता के उत्खनन से क्या मिला है, शंख मिला है,
चूड़िया मिली है, मल्ल मूर्तियां मिली है, वह पत्थर के मनके मिले हैं। क्या मिले हैं इसका आप ध्यान देना, पत्थर के मनके भी मिले हैं। इसके अलावा शंख के चूड़ियां व मल्ल मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ओजियारा सभ्यता के बारे में सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इस सभ्यता का जो कालक्रम है या जो समय है, उस समय या कालक्रम लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। कितना है? 2000 ईसा पूर्व। कितना है इसका समय या जो कालक्रम है वो कितना है? लगभग 2000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ओजियारा सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई वह जिला भीलवाड़ा जिला है। और ओजियारा सभ्यता का उत्खनन होता है वर्ष 1999 या वर्ष 2000 में इसका पूरा होता है क्या उत्खनन, ठीक है। यहां से हमें गाय और बैल की मूर्तियां मिली हैं जिन्हें ओजियारा बुल कहा गया है। और उन मूर्तियों के ऊपर सफेद रंग से डिजाइन बनाई गई है। यहां से उत्खनन के दौरान शंख चूड़ियां मल्ल मूर्तियां तथा पत्थर के मनके भी क्या है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ओजियारा सभ्यता कुछ 3 चरणों में विकसित हुई है। यह विकसित कितने चरणों में हुई है? तो यह सभ्यता विकसित हुई है 3 चरणों में, या यूं कहें कि 3 बार इसका विकास हुआ और 3 बार यह जो गुजरी 13 चरणों में। ये लाइन भी क्या है आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी कि सभ्यता जो है 3 चरणों में विकसित हुई है, वो सभ्यता कौन सी है? ओजियारा सभ्यता है, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको अगली सभ्यता की जो है बात कर सकूं। दोस्तों तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात कर रहे थे ओजियारा सभ्यता की, तो बताइए ओजियारा सभ्यता या ऐसी सभ्यता जो एक पहाड़ी के ऊपर विकसित हुई तो सभ्यता कौन सी होगी? ओजियारा सभ्यता जो कौन से जिले में विकसित हुई? तो भीलवाड़ा में विकसित हुई है, ओजियारा गांव में। अब हम अगली सभ्यता की बात करें और उस सभ्यता का नाम है कुरड़ा सभ्यता। और कुरड़ा सभ्यता जो है नागौर जिले के परबतसर तहसील के या परबतसर के कुरड़ा गांव में या कुरड़ा स्तर पर जो है विकसित हुई है। किसकी बात कर रहा हूं? कुरड़ा सभ्यता की मैं जो है बात करने जा रहा हूं। अगली अपनी सभ्यता आती है कुरड़ा सभ्यता। ये जिस जिले में विकसित हुई वो है आपका नागौर। कौन से जिले में विकसित हुई? नागौर जिले में विकसित होती है। और अगर इसके उत्खनन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन होता है वर्ष 1934 में। कब होता है? वर्ष 1934 ईस्वी, यानी आजादी से पूर्व है या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व है। उत्खनन का कार्य वही करता है राजस्थान राज्य पुरातत्व, सॉरी उस समय राजस्थान राज्य नहीं था, ठीक है। तो इसमें देखना उत्खनन जो है वर्ष 1934 में होता है और ये आजादी से पूर्व जो है इस सभ्यता का उत्खनन होता है, पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया है, ठीक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसके उत्खनन से, वो बात क्या है मैं आपको बातें बताऊंगा। कुरड़ा सभ्यता परबतसर नागौर में विकसित हुई है, कुरड़ा नामक स्थल के ऊपर है। उत्खनन वर्ष 1934 में होता है। यहां से देखना इस सभ्यता के उत्खनन से करीब 103 ताम्र पत्र, ताम्र पत्र क्या मिले हैं? करीब 103 या से ताम्र पत्थर मिले हैं। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कौन सी सभ्यता की? कुरड़ा सभ्यता की, जहां से करीब 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं। कौन से? ताम्र पत्र या ताम्र उपकरण, ठीक है दोस्तों। 103 प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 103 प्राप्त हुए हैं, और वो भी कब? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व।
ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि कौन सी सभ्यता के उत्खनन से, यानी वह सभ्यता जिसके उत्खनन से या जहां से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व में 103 ताम्र पत्थर या ताम्र उपकरण प्राप्त हो चुके हैं, तो वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी कुराड़ा सभ्यता। पहले क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कि वह पुरातत्व स्थल जहां से आजादी से पूर्व या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 103 ताम्र पत्थर या ताम्र उपकरण प्राप्त हो गए हैं, तो कौन सी है? वो होगी आपकी कुराड़ा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो गणेश्वर है, गणेश्वर का उत्खनन बाद में होता, गणेश्वर का उत्खनन बाद में होता है और इसका उत्खनन हो जाता है 1934 में, यानी आजादी से पूर्व या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कुराड़ा स्थल का क्या हो जाता है? उत्खनन हो जाता है। ठीक है, और यहां से जो है एक अपने को जो है पत्थर मिलता है और ताम्र पत्थर के समान है, बिल्कुल ताम्र पत्थर है एक, इसका नाम क्या जी क्या कहते हैं? प्रणाल युक्त अग्रीय पत्थर। क्या मिला यहां से? प्रणाल युक्त अग्रीय पत्थर, अग्रीय पत्थर। ठीक है, तो ये भी यहां से मिलता है, कहां से मिलता है? कुराड़ा सभ्यता से। ठीक है, तो कुराड़ा सभ्यता से प्रणाल युक्त अधरीय पत्थर मिलता है, और ऐसा ही एक प्रणाल युक्त पत्थर कहां से मिलता है? वो मिलता है ईरान से। कहां से मिला है? ईरान से भी मिला है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कुराड़ा सभ्यता वह ईरान के कभी किसी समय, या जब ये सभ्यता फली फूली, जब ये सभ्यता विकसित हुई, उस समय कुराड़ा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध ईरान से काफी मैत्रीपूर्ण रहा होगा। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कुराड़ा सभ्यता से या कुराड़ा सभ्यता से प्रणाल युक्त एक अधरीय पत्र मिला है, और ऐसा ही प्रणाल युक्त एक अधरीय पत्र कहां से प्राप्त हुआ था? ईरान से भी हमको प्रणाल युक्त अधरीय पत्र जो है प्राप्त हुआ था। इसलिए इन दोनों के अंदर ईरान व कुराड़ा सभ्यता में आपस में अच्छे क्या थे? मैत्री संबंध थे या अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इसी कुराड़ा सभ्यता को व्यापार या व्यापार के आधार पर इसको औजारों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औजारों की नगरी। क्या कहते हैं? तो इसी सभ्यता को कहते हैं औजारों की नगरी। किसे कहते हैं? कुराड़ा सभ्यता को। ठीक है, अगर पूछ ले कि कौन सी सभ्यता को औजारों की नगरी कहते हैं, तो आपको जवाब सही देना है। क्या? कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी भी कहते हैं, जो पर्वत नागौर में विकसित हुई है, इसका उत्खनन वर्ष 1934 में हुआ, और यह उत्खनन इसका स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व में हुआ था। ठीक है, यहां से 103 ताम्र पत्र या ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन पहले आ चुका है कि कौन सी सभ्यता से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व में 103 ताम्र पत्र या ताम्र उपकरण जो है प्राप्त हुए थे, तो वो थी अपनी कौन सी? कुराड़ा सभ्यता। ठीक है, इसी कुराड़ा सभ्यता से एक प्रणाल युक्त अधरीय पत्र मिला है। ऐसा का ऐसा एक जो अधरीय पत्र है वो कहां से मिला है? ईरान से भी मिला है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान और कुराड़ा के लोगों के बीच अच्छे व्यापारिक जो है संबंध थे। ठीक है दोस्तों, इसी कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी कहते हैं। ये हमारी क्लास जो है कंप्लीट होती है आज की। आज हमने 3 क्लासों की बात की है, 3 सभ्यताओं की बात की है, और वो तीनों सभ्यताएं कौन कौन सी थी? पहली सभ्यता की हमने जो बात की वो कौन सी थी? अपनी सुनारी। उसके बाद में हमने बात की बारातल की। उसके बाद में हमने जो है बात की किसकी? कुराड़ा की। इसके अलावा हमने बात की है ओजियाना की। ठीक है, तो इन चारों की हमने बात, चार सभ्यताओं की हमने बात की, इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, और मैं जल्द ही आपका जो है टेस्ट भी लेने जा रहा हूं। जितनी सभ्यताएं आपकी हो चुकी है उन सभी सभ्यताओं के संबंधित आपका जो है टेस्ट होगा, तो आप इन सभ्यताओं का एक बार दोबारा वीडियो देखें, और कोई समस्या हो तो आप मुझे फोन करके, मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, टेस्ट अपना 5-7 दिन में जो है टेस्ट जरूर हो जाएगा, और हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। राजस्थान पुलिस में अपने जो है 10 क्वेश्चन आएंगे महिला व बाल अपराध से संबंधित, जो कानून और जो प्रावधान है उनसे संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, जो 5 नंबर के होंगे।
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महिला एवं बाल अपराध। ठीक है, तो इनके जो संबंधित जो आईपीसी की जो धाराएं हैं, सीआरपीसी की जो नियम है, या अब और भी जो इनकी धाराएं हैं, जो इनकी सजा का जो प्रावधान होता है, जो नियम है, उन सब के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। जल्दी ये सब जो है आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होने जा रहा हूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।